प्यारे दोस्तों, फिल्मी गढ़ में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हुए एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा कि साल 1990 में सनी देओल और आमिर खान की आंधी में एक नया सितारा चमका था, जिसकी फिल्म 52 हफ्ते तक लगी रही थिएटरों में, उतरी तक नहीं, इतनी हिट हुई। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में वो नया सितारा था। दोस्तों, कौन है वो सितारा, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा वाकया। बस आपसे एक ही गुजारिश की वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर ऐसे ही सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनी देओल गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचने को तैयार है, लेकिन उन्हें स्टारडम साल 1990 में आई फिल्म घायल से मिला था। तब आमिर खान की दिल से उनकी घायल को बहुत कड़ी टक्कर मिली थी। 1990 में इन दो सितारों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बाउंडर था कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्में आज का अर्जुन और अग्निपथ भी उनसे पीछे रह गई थी। लेकिन इन दिग्गजों के बीच एक नया एक्टर ऐसा चमका कि हर ओर बस उसकी ही चर्चा होने लगी। लोगों को लव स्टोरी इतनी पसंद आई कि फिल्म 52 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस से उतरी ही नहीं। दोस्तों, 1990 में बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की दिल और सनी देओल की घायल की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी, लेकिन कलेक्शन के मामले में दिल एक कदम आगे रही। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद एक कम बजट वाली मूवी आई, जिसने एक नए एक्टर को रातों रात स्टार बना दिया। उस साल महेश भट्ट की लव स्टोरी आशिकी से राहुल रॉय ने डेब्यू किया। वे आमिर खान की सनी देओल और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज के बीच वो सितारा बनकर उभरा। आमिर खान की फिल्म दिल का बजट 2 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं घायल 2.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी, जिसने 17 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। राहुल रॉय की आज की कलेक्शन के मामले में भले ही दिल और घायल और आज का अर्जुन से पीछे थी, लेकिन बजट और कलेक्शन के रेशियो अगर निकाले, अनुपात निकाल देखते हुए उसका मुनाफा और ज़्यादा अच्छा था। खबरों के अनुसार आज की 80 लाख रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से ये बहुत ही सुपरहिट मूवी थी उस जमाने में अपनी लागत के हिसाब से। आशिकी को लेकर ऐसी दीवानगी थी कि 52 हफ्तों तक फिल्म सिनेमा घरों से उतरी ही नहीं। आशिकी की कहानी इसके डायरेक्टर महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट संग उनकी लव स्टोरी से प्रेरित थी। फिल्म में राहुल रॉय का हेयर स्टाइल इतना फेमस हो गया कि यंग लड़के राहुल रॉय वाले हेयर कट करवाने लगे सैलून में जाकर। आशिकी राहुल रॉय के करियर की सबसे बड़ी हिट थी। हालांकि फिल्म जुनून में भी उन्हें पसंद किया गया था, लेकिन वे आशिकी जैसी सफलता कभी दोहरा नहीं पाए। फिल्म की कहानी के अलावा इसके गाने काफी मशहूर हुए थे, जिसके लिए नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों, इसके गाने अब भी पसंद किए जाते हैं। आज के गाने नजर के सामने के लिए गीतकार समीर ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार और अनुराधा पौडवाल को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता था। वहीं कुमार सानू को अब तेरे बिन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों, आशिकी की रिलीज के सालों बाद 2013 में इसका सीक्वल आशिकी 2 आया, जो सुपरहिट रहा। अब मेकर्स इसके अगले सीक्वल आशिकी 3 को भी बनाने के पीछे जुट गए हैं, जिसे अनुराग बासु डायरेक्ट करेंगे और कार्तिक आर्यन लीड रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बॉलीवुड से जुड़ी, कुछ फिल्म से जुड़ी, कुछ हीरो से जुड़ी, कुछ एक्टर से जुड़ी। ऐसी बहुत सारी फिल्म की कहानियाँ और बॉलीवुड की कहानी के साथ हाजिर होते रहे हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को नए सब्सक्राइब करें और अदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे तो मेरा फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।